पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक बार सभी मिलकर दोनों हाथ खड़े करके जयकार लगाएंगे, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। आइए बड़ा ही सुंदर सब हवा बिच उड़ती जावागी, हवा बिच उड़ती जावागी। आप लोग भी मेरे साथ गाएंगे। हवा बिच उड़ती जावागी, हवा बिच उड़ती जावागी, हवा बिच उड़ती जावागी, हवा बिच उड़ती जावागी। साईया डोर हर तो छटी ना में कटी जावागी, साईया डोर हर तो छटो ना में कटी जावागी। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, साईया में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावागी, हवा बिच उड़ती जावागी, हवा बिच उड़ती जावागी, हवा बिच उड़ती जावागी। साईया डोर हर तो छटी ना में कटी जावागी, साईया डोर हर तो छटो ना में कटी मुश्किल से नल मिलिया मैंने तेरा गवारा है, साईया तेरा गवारा है, साईया तेरा गवारा है। ओ बड़ी मुश्किल से नल मिलिया मैंने तेरा गवारा है, साईया तेरा गवारा है, साईया तेरा गवारा है। मैंने एक आसरा तेरा नल तेरा सहारा है, साईया तेरा सहारा है, साईया तेरा सहारा है। तेरे ही भरोसे, तेरे ही भरोसे दाता, तेरे ही भरोसे दाता, तेरे ही भरोसे। हवा बिच उड़ती जावागी, हवा बिच उड़ती जावागी, साईया डोर हर तो छटी ना में कटी जावागी, साईया डोर हर तो छटो ना में कटी जावागी। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, तेरी पतंग में तेरी पतंग। गुरुवर आ जाओ, गुरुवर आ जाओ, गुरुवर आ
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जब से पाया है गुरुवर आपका ये दर, जब से पाया
I'm not afraid.
दिन पाके तब जी नामे जब से महंगे है। दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, Thank you.
Oh,
बोलो सतगुरुदेव भगवान की। एक दिन की बात बताओ, राम लला मेरे घर आयो। मैंने जानो कोई ब्रज को सखा, तो अच कई घूंघट को दीदार के काबिल
Thank you.
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी ने इतना प्यार दिया है कि अब ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ चाह बाकी है। मुझे ही नहीं, सब लोग यहाँ पे बैठे एग्री करते होंगे कि उनसे भरपूर प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है जितना किसी से भी नहीं मिलता। इसके लिए ये भजन है। गुरु ने ऐसा प्यार दिया है अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार दिया है अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार दिया है अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार दिया है अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले तुम
आज परम सौभाग्य की बात है कि शिवानी और लोकेश के यहाँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। ये इनके शुभ कर्मों का ही फल है जो आज गुरुदेव इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर कृपा बरसाने स्वयं आए हैं। घड़ी भदौरिया पे यहाँ सब पर कृपा बरसाने आए हैं। ये तभी संभव होता है जब हमारे जन्मों जन्मों के शुभ कर्म सामने आते हैं। ये एक जन्म का नहीं, ये कई जन्मों का संयोग होता है। जब ऐसा सुअवसर आता है, हमारे घर पे स्वयं गुरुदेव आते हैं और हमें उनके स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त होता है, तो आज शिवानी और लोकेश और उनका पूरा परिवार आज धन्य है जो गुरुदेव स्वयं उनके घर पे आए हैं। आइए आज एक भजन गाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कई जन्मों से बोला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरी मिला ना पाऊँ, मेरी नजर का कसूर
Thank you.
Oh,
Thank you.
सहित चरणों में शीश झुकाते हैं। राम राम बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 Thank you.
एक हमारे गुरु में रहती है, उन्होंने अर्जी लगाई कि गुरुजी आप जा रहे हैं तो आप अपने घर में चाय डालते हुए जाइए। गुरुजी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा सुबह अर्ली मॉर्निंग तो आ जाऊंगा घर पर। गुरुजी वहां पहुंचे सुबह 6 बजे, उन्होंने इतना भव्य स्वागत किया गुरुदेव का, नोटों की मालाएं पहनाई बैंड बाजों के साथ और गुरुजी के वहां सत्संग चला। उनका एक देवर है दीदी का, वो सबकी वीडियोग्राफी कर रहा था, सबके फोटोज वगैरह ले रहा था, सत्संग की वीडियो बना रहा था। तो जब गुरुजी वहां से आने के लिए कुरुक्षेत्र में हमारा आश्रम है वहां गए, अलूपुर धाम में हमारे श्री योगराज श्री चंदमन जी महाराज का जन्म स्थान है वहाँ, फिर इसी केस में हमारे प्रभु जी का आश्रम है। इस तरह से टूर था गुरुजी का जाने का। शामली में हमारे श्री माँ परमयोगिनी माँ उमा शक्ति का जन्म स्थान है। तो वहां से जब निकले तो जब जैसे ही गुरुजी गाड़ी में बैठे तो उनके बड़े भाई ने अर्जी लगाई गुरुजी से, गुरुजी कृपा कीजिए ये फौज में जाना चाहता है इस पे कृपा कर दीजिए, बस इतना बोला। गुरुजी बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, इसको मेरे पास आगरा लेके आना। और उसके गालों पे फोन था गुरुजी के, ऐसे 2 चपत लगा दी। यहाँ जो हमारे गुरु भाई बहन है वो सभी जानते हैं कि ये चपत का प्रारंभ प्रभु जी के समय से होता आ रहा है। जो लीला मृतम पढ़ते हैं उनको पता होगा प्रभु जी चपत लगाते थे और कहीं और रोगी ठीक हो जाता था। चपत किसी और को लग रही है रोगी ठीक हो रहा है, तो वही प्रावधान आज भी चला आ रहा है। गुरुजी ने उसको चपत लगा के बोला इसको मेरे पास आगरा लेके आना और गुरुजी आगे के लिए निकल गए। गुरुजी मेरठ पहुंचे थे वहां उनका फोन आता है दीदी का, मेरठ में सत्संग चल रहा था, गुरुजी के पास फोन आया गुरुजी आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई, आपने मेरा ससुराल में इतना मान सम्मान करा दिया, इतना करा दिया। गुरुजी ने बोला क्या हुआ? कहते हैं जो मेरा देवर है ना जिसको आप आशीर्वाद देके गए थे जो फौज में जाना चाहता था, वो बचपन से गूंगा था, वो कुछ बोल नहीं सकता था, आज आपकी कृपा से वो बोलने लगा। 17 साल से जो बच्चा नहीं हो सकता था वो सिर्फ एक बार उन्होंने आशीर्वाद दिया होगा। इसी तरह मेरी छोटी सिस्टर है, उसके कान में बहुत तेज पेन होता था, इतना असहनीय पेन था कि उसको सब डॉक्टरों के पास दिखा लिया, उसका सारे दिन इलाज चलता था पर कोई ठीक नहीं हुआ। वो इतना तेज होता था कि इतना तेज रोती थी, इतना तेज लगती थी कि हमारे आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते थे। जब काफी टाइम हो गया नहीं कुछ हुआ तो गुरुजी के पास मम्मी आई लेके उसको, गुरुजी अभी कृपा कर दीजिए बहुत टाइम हो गया इसका दर्द नहीं जा रहा, वो बहुत तेज बिलकती है, छोटी थी उस समय। तो गुरुजी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हमारे ये होम्योपैथिक डॉक्टर दीदी है सुविधा श्रीवास्तव कि ये बैठी हुई थी कि इनकी दवाई ले लो और प्रभु जी कृपा करेंगे। बस गुरुजी ने कहा इसका आज का लास्ट दर्द होगा जो अब तक हुआ है, आज के बाद इसके कभी दर्द नहीं होगा। और उस दिन से आज का दिन है कि उसके कभी कान में वो दर्द नहीं हुआ। सतगुरुदेव भगवान की जय। कैंसर सभी को पता होगा कि कैंसर का ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है, चाहे कोई सा भी कैंसर हो उसका एलोपैथिक में सिर्फ ऑपरेटिव बताया गया है कि इसको ऑपरेशन करना ही करना है, लेकिन हमारे इस दरबार में बिना ऑपरेशन के कैंसर ठीक होते हैं। हमारी गुरु बहन है मेरठ में, उनके घर पे गुरुजी गए ऋषिकेश के टाइम पे, तो सत्संग चल रहा था, अगले दिन गंगा दशहरा था, ऋषिकेश में उस टाइम पे कर्फ्यू लगा दिया गया था क्योंकि गंगा जी में बहुत रेता आ गया था, मिट्टी आ गई, तो वो वहां नहीं जाने दे रहे थे। गुरुजी जैसे वहां पहुंचे तो उनको कोरोना भी हो गया था, कोरोना के टाइम की बात है, इसके बाद जब 21 की, तो गुरुजी जब घर पहुंचे उनको कोरोना हो गया तो बेड रेस्ट पे थी 15-20 दिन से, लेकिन जब उन्हें पता पड़ा कि हमारे गुरुदेव आ रहे हैं उनको एक ऐसी एनर्जी मिली, ऐसी शक्ति मिली कि वो उठ के खड़ी होके और खूब गुरुदेव का स्वागत किया। साथ में गुरु भाई बहन थे सबका। अगले दिन गंगा दशहरा था, गुरुजी ने कहा आज गंगा दशहरा है, यहाँ कहीं कहाँ नहाने जा सकते हैं, गंगा जी में तो जा नहीं सकते ऋषिकेश में, यहाँ कहीं जगह है? तो उन्होंने बोला हाँ मेरठ में सुकरताल जगह है जहाँ पर श्रीमद भागवत जी का उद्गम हुआ था कि वहाँ जा सकते हैं गुरुजी। गुरुजी वहाँ गंगा दशहरा नहाने गए गंगा जी, उसके बाद आके गुरुजी आगरा के लिए निकलने लगे, भंडारा हुआ प्रसादी पाई सबने, गुरुजी आगरा के लिए आने लगे। तो अंकल जी ने एक अर्जी लगाई गुरुजी के चरणों में कि गुरुजी कृपा कर दीजिए ये जो वाइफ है बहुत बीमार रहती है,
बस गुरुजी ने एक सेब का प्रसाद उठाया और उनको दे दिया कि लो इसको खा लेना। जब गुरुजी उनके घर पहुंचे थे तो वो रात को गुरुदेव के पास बैठी हुई थी और गुरुदेव से कुछ अजीब तरह की बातें कर रही कि जीवन का क्या भरोसा रहा कि नहीं रहा, अब जो करना है वो आपकी सेवा कर लूं, अब जो है सो जाए, इस जीवन का कोई मतलब इस तरह से बातें करनी। तो गुरुजी ने कहा ऐसा क्यों कह रही है कि नहीं। गुरुजी उन्होंने गुरुजी को नहीं बताया कि मुझे कैंसर है, उनका एक्चुअली होट में कैंसर था, यहाँ गांठ पड़ गई थी, वो इसको हमेशा ऐसा अलग करके रखती थी, एक क्रीम लगाती रहती थी जिससे वो चलता रहता, मैंने सूख के वो उन्होंने बोला था इसका ऑपरेट करना पड़ेगा। अगले दिन उनका ऑपरेशन ही था, गुरुजी आ गए आगरा के लिए प्रसाद दे के। वो अगले दिन डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर एकदम शॉक हो गया। जब जैसे ही डॉक्टर देखता है, चेकअप करता है, कहता है मैं किसका ऑपरेट करूं, मैं किसको ऑपरेशन करूं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे जो गांठ थी होठ में वो तो गायब है, एकदम ठीक है। कहते ऐसा कहाँ से दवाई ली, क्या किया? वो कहते मैंने कहीं से दवाई नहीं ली, कुछ नहीं हुआ, ये तो मेरे गुरुदेव आए थे, उनकी कृपा है, और वही काम फिर चला, इनको दीदी को फिर माध्यम बनाया। कहते और होम्योपैथिक उनकी एक ड्रॉप ली थी, एक दस बूंदी एक पी लेना। कहते अच्छे है, बताओ तुमने कौन सी दवाई ली, क्योंकि साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कैंसर को ठीक कर दे। मैंने आज तक कोई एलोपैथिक में दवा ही नहीं देखी जो कैंसर ठीक हो जाए, ये मैं पहला ऐसा केस देख रहा हूँ कि कैंसर विदाउट ऑपरेशन के ठीक हो गया है। और वो गुरुदेव को फोन करके कहती है गुरुजी बहुत बड़ी कृपा हो गई, मुझे कैंसर था जो आप आए थे और वो ठीक कर गए। और जब उन्होंने वो रात को ब्लैंक चेक दे दिया था गुरुजी को बैठ के कि गुरुजी वो टीचर हैं सरकारी के लिए, मेरी ब्लैंक चेक है, मैंने इसमें भर दिया, आप जितना चाहे उतना भर लें। वो 5 लाख रुपए गुरुदेव ने आश्रम की सेवा में लगा दिया, वरना वो 5 लाख कहाँ जाते, डॉक्टर पे जाते, ऑपरेशन पे। तो इस दरबार में ऐसी ऐसी कृपाएं तो बहुत सारी है, अनगिनत कृपाएं, एक एक बच्चा अगर बोले तो ना जाने कितने दिन कितने साल बीत जाए। लेकिन इस समय को देखते हुए मैं यहीं पर विराम देती हूँ, कथाओं को आगे भजन को बोलते हैं। आए संकट को पल भर में हरते हैं,
वक्रतुंडम। अब ये बस ये मनीषा जो भक्ति में भगवान की में उत्प्रोत रहने वाली, सदा प्रेम में डूबने वाली, अधिक वृंदावन में रहना आग्रह में ससुराल पर आग्रह में कम और प्रेम में कृष्ण जी के में और फिर सदगुरु मिल गए तो प्रभु जी गुरु जी के प्रेम में डूबी रहती है। बहुत बहुत अनुष्ठान भी करती है, तपस्वी जीवन है इनका, आचार्य की उपाधि मिली हुई है इनको, भागवत का भी स्मरण किया हुआ है, इसको भी भागवत की पूरी तैयारी है इनकी। तो ये अब यहाँ पर सबको आन देंगी अपने भजनों के द्वारा। सदगुरुदेव भगवान की Thank you.
मुकुटे हैं शीश पे उसी के, मोर मुकुटे हैं शीश पे उसी के, डर गया मेरा दीवानी हो गई, मेरा दीवानी।
जाना है हमें बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय कहते हैं जिसको वो आनंद कंद है और लीला जगत में उसकी सबको पसंद है लीला रचाने वाला तो लीला रचाने वाला तो वो कृष्ण चंद है और 36 राग रागिनी अर्जी के रूप में है बड़े ध्यान से सुनना अपना भाव भी वही लगाना जो मेरा है क्योंकि सब लोग गाने वाला कोई होता है लेकिन लगाने वाले सब लोग होते हैं ले तो नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल रूप तुम्हारा देख के गुरबर हाल हुआ बेहाल रूप तुम्हारा देख के गुरबर हाल हुआ बेहाल प्रभु राम की साथ में सोहे प्रभु राम की साथ में सोहे देख चली तेरे हाथ Oh,
Come on.
हम लोग 3:30 बजे ये महेश भजन का रहा था बीच में, अभी मनीषा बोल रही थी, हालांकि बीच में नहीं बोलना चाहिए था इसको। और इसका क्या है ना, अभी एक साल पहले दीक्षा हुई है, अभी तो बच्चा बन के रहता है, इसको ये अपना पता नहीं है कि कहाँ गाँव क्या लिया, बस मन किया माइक लिया और शुरू बचपने में भाव में। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आगे से नहीं करेगा आप कभी, है ना, कोई बात नहीं। ये योगेश्वर का दरबार है, श्री प्रभु जी का, योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज, बाई तरफ स्वरूप हमारे गुरुदेव योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज, और जो परम योगिनी मामा शक्ति जी का स्वरूप विराजमान है, श्री प्रभु जी सिद्धों के महासिद्ध योगेश्वर है। योग के द्वारा ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बड़े काम किए इस संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, केवल योग के द्वारा। और उन्होंने पूरी भगवत गीता में एक ही आज्ञा दी, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। एक योगी जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। श्री प्रभु जी जो आज भी नेपाल तिब्बत चीन की सीमा से ऊपर बर्फ की पहाड़ियों पर एक शरीर से विराजमान है, निर्माण काय के द्वारा 16 शरीर एक साथ बनाकर आए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब महारास रचाया, राधा जी के साथ भगवान कृष्ण बीच में खड़े हुए थे, हजारों गोपियों को उन्होंने आह्वान किया, और उन गोपियों के मन में आया कृष्ण जी असल में राधा जी के साथ रहते हैं, काश हमारे साथ भी होते, हमारे साथ भी होते। तो उन्होंने क्या किया, निर्माण काय किया। श्रीमद भागवत में वर्णन आता है, अंगना मंगना मंत्रो माधवम 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 अंतेण अंगना इथमा कल्पते मंडली मदगा संजगो बेणुना देव की नंदना। देवी नंदन ने क्या किया, वहां उनके मन की बातों को जान लिया और वहां पर निर्माण काय किया। योगी लोग ही ऐसा कर सकते हैं, एक शरीर से अपने भगवान कृष्ण का किया, हजार गोपी थी, हर शरीर अपने बना लिए, हर गोपी को दिखाई दिया कृष्ण जी मेरे साथ है, कृष्ण जी मेरे साथ है, कृष्ण जी मेरे साथ है। ऐसे ही श्री प्रभु जी ने निर्माण काय किया, 16 शरीर एक साथ बनाए और अवनी मंडल पर आए, और यहाँ पर आकर अपने संस्कारी बच्चों को ढूंढना खोजना शुरू किया, और उनके अंदर जो कष्ट थे दुख थे उनको उनकी कृपा से दूर होना शुरू हो गए। जिनके व्यापार धंधे या योग भटक रहे थे, सही मार्ग नहीं मिल रहा था, उनको वो उचित मार्ग दिखाया श्री प्रभु जी ने। ये श्री प्रभु जी के खाली उनकी तो बात ही छोड़ दूं, मैं उनके स्वरूप के बारे में बता दूं कि उनका स्वरूप कैसा है। आज मैं समझता हूं बड़े भाग्य घड़ी दौड़िया बालों के। कहते हैं जब बहुत ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जब बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, तब ईश्वर की अनुकंपा से सदगुरु को पहुंचा करते, उनका दरबार लगा करता है। होंगे दयाल तो देंगे बुलाए के, लेने क्या जाओगे देंगे घर आए के। तो श्री प्रभु जी जिनके थोड़ा समय कम है, संक्षेप में बताऊंगा, इसलिए मैं भजन वालों काफी टाइम हो गया भजन गाते गाते। श्री प्रभु जी के स्वरूप को लेकर हमारे महाराज जी के छोटे गुरु भाई नरसिंह मूर्ति महाराज की शिष्या मद्रास की रानी पद्मावती स्वरूप को लेकर गई, उनसे पूछा, महाराज ये बताओ ये स्वरूप क्या है। कामपुर शंकराचार्य जी हमारे यहाँ के नहीं थे, पर दिव्य दृष्टि वाले थे, स्वरूप को उन्होंने लिया, 3 बार मस्तक से लगाया, बोले नारायण स्वयं नारायण स्वयं नारायण स्वयं। अरे रानी तो इनकी तो बात ही छोड़ दे, इनकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, ये बैठे बैठे कितने काम रोज करते रहते हैं। बोले खाली जिस घर में इनकी तस्वीर विराजमान है, जहाँ दीक्षा लेके उनके स्वरूप घर में जो विराजमान हो जाते हैं, उस तस्वीर के बारे में सुन ले, तस्वीर जो विराजमान है उस तस्वीर में हजारों को एक साथ मुक्ति देने की ताकत है। भगवान की जय। अभी हमारा पूरे भारत वर्ष में प्रोग्राम में जाते हैं, अभी कल भी मैं प्रोग्राम से ही आया हूँ, वो तो ये शिवानी इसका जन्मदिन है,
शिवानी और लोकेश, इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं ग्रिगोरिया में कार्यक्रम हो जाए, जन्मदिन का बहाना हो जाएगा, कार्यक्रम हो जाएगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं इसलिए कल बीच में तीन प्रोग्राम छोड़ के अभी अमृतसर घड़ी मेरे प्रोग्राम में जो मैं रुकता वहाँ पर, उन सबको छोड़ के दोबारा फिर जाऊंगा मैं यहाँ पर आना हुआ, क्योंकि शिवानी को मैंने वचन दिया था। ये बहुत अच्छी संस्कारी लड़की है, कहते हैं ना कि माता पिता के संस्कार जब बच्चों में पड़ जाते हैं और बच्चे फिर आगे अच्छे ही बनते चले जाते हैं, ऐसे ही संस्कार बालिका शिवानी को इनकी माँ ने दिए। उन्होंने अपने बच्चों के लालन पालन पोषण पढ़ाई एजुकेशन तक में पढ़ाया भी, लेकिन पूरा पूरा ध्यान रखा, एक छाया की तरह उनके साथ रही, उसका ये परिणाम है आज ये इसके अंदर ही वही संस्कार सब प्रज्वलित अंदर सब इसके वो संस्कार भरे हुए हैं। तो बताया था मैं श्री प्रभु जी का, हमारा मुरैना में प्रोग्राम चल रहा था, श्री प्रभु जी के चरणों में एक महिला जो कविता उनका नाम है दरबार घर में लगा रखा था उनने अपने, वो बैठी हुई थी और श्री प्रभु जी के स्वरूप की तरफ देख रही थी। क्या देखती है, भोजन कर रही थी कविता, कि श्री प्रभु जी के स्वरूप का शीशा जो है वो चर 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 बोल के टूट टूट के गिर रहा है। वो घबराई, हे मेरे प्रभु जी क्या होने वाला है, ऐसा क्यों हो रहा है। उधर क्या था, उनके हस्बैंड 460 ट्रक में सरिया लोडेड चंबल पे पहाड़ों के ऊपर से जा रहे थे, वहां पे काम चल रहा था। तो उधर क्या हुआ, वो भोजन कर रही है, सीधा चढ़चर बोल रहा है प्रभु जी का, कैसे प्रभु जी ये बता रहा हूं मैं। उधर क्या हुआ, वो ट्रक सहित 80 फीट ऊपर से नीचे गिर पड़े। उनकी पत्नी के पास फोन पहुंचा कि भाभी जी बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई, आपके पति ट्रक से नीचे गिर गए और ट्रक तो चूर चूर हो गया पर उनको खरोच भी नहीं आई। सतगुरुदेव भगवान की जय। योगेश्वर श्री प्रभु जी, ऐसी अनेक घटनाएं शिवानी के साथ भी घटी है। जिस समय शिवानी ने अभी ये अपना इस समय तैयारी कर रही थी इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मैं इनके घर गया हुआ था, उस समय उन्होंने बुलाया मुझे, राजीव गुप्ता इनके पापा बैठे हुए हैं, इन्होंने बुलाया मुझे, वहां बुलाकर बातचीत हुई, आरती पूजन किया, उसके बाद सबको प्रसाद बांटा, में चलने लग गया। मैंने शिवानी से पूछा, शिवानी क्या तुमने फिर, बता रहा हूँ कैसे कृपा होती है यहाँ से, क्या फिर तुमने एग्जाम दिया है, इस साल 2 साल रह गई थी। बोली हाँ मैंने फिर दिया है। कहेगा सेल टैक्स का वो एग्जाम मैंने दिया है। मैंने शिवानी इस बार तुम पास हो जाओगी, मेरे मन में जब आया पूछा है मैंने ऐसे ही नहीं, तो अब क्या तुम पास जरूर हो जाओगी, और वही हुआ, ये पास हो गई। अब राजीव गुप्ता इसे हमारे श्री माता जी को आगरा से, हमारा यहाँ बड़ा आश्रम है श्री सिद्ध गुफा, जहाँ श्री प्रभु जी ने कच्ची मट्टी गुफा बनाई थी, आज भी उस आश्रम में हजारों लाखों की भीड़ होती है, बहुत बड़ा आश्रम है वो, और वहाँ की रज का इतना वरदान है, जो रज वहाँ की खाता है या वहाँ जाके जो भी प्रार्थना करता है वो उसकी प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। एतमादपुर के पास 20 किलोमीटर पर हमारा आश्रम है, तो हमारे श्री माता जी आगरा में रहते थे और आश्रम बराबर जाया करते थे। मैं भी आश्रम माता जी के शरीर छोड़ने के बाद राजीव गुप्ता को पहले माता जी को लेकर जाया करते थे, उसी प्रकार मुझे भी साथ लेकर जाने लग गए। एक बार ये लौट के आ रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, अब मैंने कहा मैं शिवानी का कैसे पूछूं कि शिवानी का क्या हुआ, दो महीने इस बात पे हो गए थे, मतलब एग्जाम पास हुआ, नौकरी लगी, इंटरव्यू हुआ, क्या नहीं हुआ। थोड़ा सा राजीव गुप्ता हमारे ना दिल के बहुत अच्छे हैं, तो वो थोड़ा वहाँ के इटा साइड के जल्दी से बोल जाते हैं, फर्क से जाते हैं हल्के से। तो मैंने कैसे पूछू, मैं सोच ही आता, देखो उनकी गुरुदेव की अंतरामिता देखो, मैंने कैसे पूछू ये मन में सोच रहा हूँ गाड़ी में। तो ये मुझसे कहते हैं अरे वो हम आपको बात बताना भूल गए। मैंने क्या, वो शिवानी पास हो गई और उसका इंटरव्यू इलाहाबाद जाना है लेकर। राजीव अब तो तुम मुझसे लिखवा लो, शिवानी को कोई नहीं रोक सकता, उसकी जॉब लगेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। और वही हुआ, इलाहाबाद गए और 16वां नंबर शिवानी का आ गया और शिवानी ऑफिसर बन गई। ऐसे ही राजीव गुप्ता माता के समय से चाह रहे थे कि अपने बेवर वाले मकान को बेच दें, बहुत उनका मन में काफी प्रयास कर रहे थे बार बार। इनको ही था जो गड़बड़ कर रहा था, बीच में मकान नहीं बिक पा रहा था, लोग जा रहे थे, दिख रहे थे, लौट रहे थे। अब बिटिया का संबंध हो गया, ये मेरे पास आए
और मुझसे आके बोले आगरा में, संबंध तो हो गया, सवानी का जॉब भी लग गया, सब कुछ हो गया, अब पैसा नहीं है, कैसे होगा कैसे होगा, दोनों हस्बैंड भाई भाई। अरे मेरा जो तुम्हारे सारे काम कर रहे हैं वो ये भी काम करेंगे, चिंता क्यों करते हो? कुछ दिन बाकी रह गए थे, जो बीच में गड़बड़ कर रहा था, मकान नहीं दे रहा था, वो ही बोलता है मेरे पास इतना पैसा 20 लाख रुपया हो गया है और मैं आपके मकान को ले रहा हूँ और रजिस्ट्री करने के लिए मैं तैयार हूँ, मकान में दे दो। शादी से पहले ही पूरा का पूरा पैसा इनके हाथ में आ गया। कोरोना काल में शिवानी की शादी हुई, बड़े नियम थे, 50 आदमी 20 आदमी ऐसे रहेंगे, लेकिन शिवानी की शादी में खुल के लोग थे, कोई कोई रोकने नहीं आया, पूछने भी नहीं आया, और खूब धूमधाम से शादी हुई। तो ऐसे जहाँ कहते हैं इष्ट होता है वह अनिष्ट नहीं होता कभी, ऐसे श्री प्रभु जी, ऐसे योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज है। खाली प्रभु जी बोलने से, जो प्रभु जी बोलेगा, इनको ध्यान से देख लो, उस पर कृपा हो जाएगी। ऐसी ऐसी कृपा, इस समय समय कम है, थोड़ा सा बताऊंगा बस। इन लोगों के बच्चे नहीं थे, 14-14 साल तक बच्चे नहीं हुए, दुनिया भर में अपने ट्रीटमेंट कराए, कोई लाभ नहीं हुआ, और इस दरबार में जब आए, हमारे समाज आश्रम पे पहुंचे, प्रभु जी से प्रार्थना करी, प्रभु जी बोले, तो उन संतानों के लाभ हुए, नौकरी के लाभ हुए, इनकी कृपा से इनको याद करते, रोग भाग जाते हैं। यहाँ आज ये दो बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, 10-20 लोग संगीत वाले बैठते हैं धनबाद वगैरह में, रायपुर वगैरह में, स्टूडेंट्स लेके, वो खाली प्रोफेशनल थे, संगीत के लिए आए थे, यहाँ पे केवल कार्यक्रम में रहेंगे, सब होकर चले जाएंगे, लेकिन जब वो बैठे रहे, उनका भी ऐसा मन में एकदम बंद गए, यहाँ से कहते ना वो कृपा होनी थी, संस्कार थे, ऐसे बंद गए यहाँ पर। आज वो सब छोटे छोटे घरों में पड़े हुए थे, वो सब कौन थे? श्याम बाबा के भक्त, इन्हें अपने घर में श्याम बाबा की स्थापना की हुई थी, उसके बाद भी उनके कोई काम नहीं बन रहे थे। एक तो नरसिंह ऐसा था जो कि जिसका बिल्कुल कर्जों में डूबा हुआ था, मकान वकान सब गिरवी पड़े हुए थे, कोई काम नहीं हो पा रहे थे। दरबार में जब आए, माजी उस समय थी, और उनने बस गौती के दरबार में बैठे सारी बातें बताई, माने का बेटा प्रभु जी बोलना, वो सब खाली कार्यक्रम करने आए थे, आज वो सब यहाँ के हो गए, उनके अपने बंगले हैं, गाड़ियां हैं, जो कर्जों में डूबे थे आज वो लोगों को कर्जा दिया करते हैं। रायपुर, धनबाद, कलकत्ता, सूरत, बेंगलोर, पूना, हर जगह हम कार्यक्रम में जाते हैं, पंजाब, अमृतसर, चारों तरफ ऐसी कृपा उनकी होती है, धूम मच जाती है खूब, और लोगों पे कृपाओं की भीड़ लगी है, लाइन लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि ये योगेश्वर है, अचिन शक्तिमान योगी, नाना रूपाणी धारित, संग्रेच्य पुनस्तानी स्वेच्छा वेतेंद्रिय। एक योगी महाशक्तिवान होता है, नाना रूपाणी धारित, अनेक रूप बना लिया करता है, संग्रहेच्य पुनस्तानी, जब चाहे उनको समेट ले, और तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करता है। योगेश्वरों के बच्चों को, समय कम है, मैं इसलिए बस संक्षेप में खत्म करूंगा बात, योगेश्वरों के बच्चों को काल भी क्या कहा है, यत्रा बच्चे न आते कालो न पावते से गुरु से पूर्वी कुरु काले नान बच्चे दाद, काल भी उनकी सीमा से दूर रह करता है, हट जाओ, ये योगेश्वरों का बच्चा है, महाप्रभु रामलाल जी महाराज का बच्चा है। तो जितने लोग आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, पुराने भी और नए भी, बहुत भाग्यशाली हो, प्रभु जी के दर्शन कर रहे हो, गुरु दर्शन कर रहे हो, जो भी इनको याद करेगा, चाहे विद्यार्थी, छात्रा, छात्र, पढ़ने वाले हो, बिजनेस वाले हो, रोगी से परेशान हो, रोग से, जो इनको याद करेगा उस पे उनकी कृपा होगी 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 होगी। क्या बोलना है बस? जय प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, जय प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, जय प्रभु जी, 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 जय प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, जय 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 प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। जो प्रभु जी ऐसे बोलेगा, उसकी कृपा होगी होगी, चाहे कोई भी हो। अब मैं उनकी आरती करता हूँ, फिर
आज शिवाजी का जन्मदिन है और बिटिया का जन्मदिन कब है तुम्हारी का? परसों उसका था, उसका भी दिवाली आज ही करते हैं। चलो आज ही करते हैं।